नमस्कार दोस्तों, जीरो मेल किचन चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बूंदा कढ़ी। नॉर्मल कढ़ी तो आप खाए होंगे, आज मैं बनाऊंगी बेसन का बूंदे वाली कढ़ी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए इस कढ़ी का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लेंगे बॉल और उसमें मैं डाल दूंगी 2 से 3 चम्मच बेसन। इसके बाद मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। जब भी हम कढ़ी बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारा कढ़ी फट जाता है, तो सो मैं आज एक आपको ट्रिक बताऊंगी, 100% आपका कढ़ी नहीं फटेगा। तो मैं अब यहाँ पे डालूंगी दही। तो दही को अच्छे से हमने मिक्सर में चला के फेंट लिया है। अब इसका मैं घोल तैयार करूंगी, अच्छे से बेसन को मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे मैं नमक नहीं डाली हूँ, बाकी सब कुछ ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे ताकि हमारा ये जो गुठलिया है बेसन का वो अच्छे से मिक्स हो। बेसन और दही हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। तो 1/2 कटोरी के करीब हम इसमें पानी ऐड की हूँ। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करके एक बार देख लेंगे कि हमारा कढ़ी का क्या कंसिस्टेंसी है। तो ये देखिए परफेक्ट है। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो इसके बाद मैं गैस को ऑन करूँगी और इसके बाद रखूँगी एक कढ़ाई और मैं अब डालूँगी इसमें कुकिंग ऑयल। ये हमारा मस्टर्ड ऑयल है, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो तेल को थोड़ा सा हम हीट होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हमारा तेल जो है गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 हरी मिर्च जिसको 3 टुकड़े में कट कर ली हूँ और 10 से 12 कड़ी पत्ते। अगर कड़ी पत्ते आपके घर में नहीं है तो कड़ी पत्ते की जगह आप तेज़पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा मिर्च, जीरा एंड करी पत्ता तीनों अच्छे से पक गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी दही एंड बेसन का घोल, जो मैं घोल के रखी थी उसको मैं इसमें डाल दूंगी और इसको हाई फ्लेम पे लगातार चलाती रहूंगी जब तक से इसमें एक उबाल ना आ जाए। ये देखिए कढ़ी हमारा जो है थोड़ा सा ठीक ठीक दिख रहा है, तो इसको पतला करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि कढ़ी को हम पकाना है तो इसमें पानी थोड़ा और ऐड कर दिए हैं ताकि कढ़ी अच्छे से जो पके तो इसका थिकनेस कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए। तो अब इसको हम लगातार मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक चलाते रहेंगे लगातार, ताकि हमारा कढ़ी में एक उबाल आ जाए। तो ये देखिए हमारे कढ़ी में एकदम अच्छी वाली उबाल आ गई है। लगातार हमको 5 मिनट हो गया है कढ़ी को चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए हमारे कढ़ी में कितना अच्छा उबाल आ गया है एंड कढ़ी भी कितना मस्त दिख रहा है। अब मैं यहीं पे ऐड कर दूंगी नमक। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप नमक ऐड कर दीजिए, स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। अब इस कढ़ी को चलाती रहूंगी। ये देखिए हमारा कढ़ी नहीं फटा। तो इस तरह से आप कढ़ी बनाएंगे तो आपका 100% कढ़ी नहीं फटेगा, फटने के चांस कम हो जाती है। और अब यहाँ पर मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी और 2 मिनट के लिए और पका लूंगी अच्छे से। तो अब हमारा 2 मिनट हो गया है कढ़ी को पकाते हुए। अब मैं यहाँ पे बूंदा डाल दूंगी। तो ये बूंदा मैं पहले से ही बना के रखी थी, इसका भी रेसिपी मैं आपको डाल दूंगी, बूंदा घर पे कैसे बनाते हैं। और बूंदा डालने के बाद मैं फिर वापस इसमें 1 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लूँगी। तो ये देखिए हमारा 1 मिनट हो गया है, कढ़ी कितना मस्त बन के तैयार हो गया है और कढ़ी ना ज़्यादा ठीक है और ना ही ज़्यादा पतला है, एकदम परफेक्ट है। तो यहीं पे मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और अब चलती हूँ मैं सर्व करने के प्रोसेस में। 5 से 6 मिनट में हमारा कढ़ी जो है बन के एकदम रेडी हो जाता है और चावल के साथ आप सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
हैं।